हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट 4 का। इससे पहले अगर आपने पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। आप सभी को उन पार्ट से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जैसा कि हमने ऊपर देखा, प्रोटीन किस तरह से बनता है, अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, इन सभी से हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। जनरली होता क्या है, अगर आप यहाँ पे समझो तो लेट मी टेक अ पेन। क्या होता है, ये है आपका अमीनो एसिड, ये भी है आपका अमीनो एसिड और ये भी है आपका अमीनो एसिड। जब ये अमीनो एसिड ऐसे कनेक्टेड होते हैं एक बॉन्ड से, उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक सेकेंड इसको इधर ले लेते हैं, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा चेंज होगा, और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा देखते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एन टर्मिनल और ये हो जाएगा इसका सी टर्मिनल, ओके। तो आपने देखा ये सिंगल लीनियर पोर्शन, मतलब लीनियर फॉर्म में था ये। ये हो गया आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये हो गया आपका 3D में स्ट्रक्चर, ओके। तो देखते हैं आगे हमारा NCERT क्या कह रहा है। प्रोटीन एज मेंशनड अर्लियर द हेट्रोपॉलीमर्स। नाउ व्हाट आर हेट्रोपॉलीमर्स? जनरली आप जब दो अमीनो एसिड्स लगाते हो, अगर वो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि यहाँ पर एलेनिन, ये वैलिन, ठीक है, तो ये क्या हो गया हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बीच में है, ये हो गया आपका हेट्रो, ओके। और जब आप देखोगे कि इसमें अमीनो एसिड ग्लूकोज 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 लगा हुआ है, सेम लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका होमोपॉलीमर, ठीक है। देखते हैं आगे, जैसा कि आपने सेलुलोज में देखा है होमोपॉलीमर ही देखने को मिलता है हमें। अब हम आ जाते हैं कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड। हेट्रोपॉलीमर्स में स्ट्रिंग्स होती हैं अमीनो एसिड की, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं हमें अलग अलग तरह के। स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। व्हाट डज दिस मीन? स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। हर स्ट्रक्चर अपने आप में वेरिएबल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है इनवेरिएबली रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर NaCl का आप देखोगे तो एक ही लीनियर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का आप देखोगे, वहाँ पे आपको सिंपल ही एक स्ट्रक्चर दिखेगा। वो इनवेरिएबल होते हैं, यानी कि चेंज नहीं करते हैं, उसका सिंगल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से साफ पता चलता है। आगे जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ टू डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर क्या लिखते हैं, टू डायमेंशनल, 2D में देखते हैं मॉलिक्यूल्स को, वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जब वो स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आइदर इन पेपर और अपने किसी प्रेजेंटेशन में, तो वो उसका 2D स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने देखा है बेंजीन के अंदर और नैप्थिलीन के अंदर, और भी बहुत हैं, यानी कि एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे फिजिसिस्ट क्या करते हैं। फिजिसिस्ट जनरली कंज्योर अप द 3D व्यू ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स। जो फिजिसिस्ट होते हैं वो जनरली 3D व्यू ही कंसिडर करते हैं। और जो आपने देखा है हमेशा मेजॉरिटी में आपको 3D व्यू ही दिखेगा हर मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो फिजिसिस्ट ये करते हैं। और अब आई बात बायोलॉजिस्ट की, तो आपके लिए कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट से इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 levels पर, ठीक है। और नाउ व्हाट आर दीज 4 levels? आपने सुना होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 levels वही हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, आपको ये ज़रूर याद रखना है 4 levels हैं, दैट इज द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, यानी कि उसके अंदर किस तरह के प्रोटीन अटैच्ड हैं, अगर उसके अंदर अमोनिया वगैरह प्रेजेंट है और एसिटिक एसिड, तो ये सब हम देखते हैं। ये सब पोजिशनल इन्फॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है। तो देखेंगे विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वहाँ पे हमारा सेकेंड अमीनो एसिड भी होता है, थर्ड भी होता है, और इसी तरह एक चेन बनती है, सो ऑन,
ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। हम देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। जैसे आपका ये अमीनो एसिड, दिस वन दिस वन दिस वन, ये आपके अमीनो एसिड बनते जा रहे हैं। ये सब पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट बन गए हैं गलती से। आप यहाँ समझ सकते हो कि ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। ये आपके हो गए प्राइमरी, एक सेकेंड, ये हो गए आपकी प्राइमरी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। आप इसमें देख सकते हो कि आपको लाइन की तरह ही प्रोटीन देखने को मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड का मिक्सचर। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड, जो आपका लेफ्ट एंड है ये होगा आपका फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है, और जो राइट एंड है वो होगा आपका लास्ट अमीनो एसिड, ओके। तो यहाँ पर आपको टर्शियरी पता चल गया। अब हम देख रहे हैं हमारे सेकेंडरी और बाकी के भी किस तरह के होते हैं। एक सेकेंड, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द एंड टर्मिनल, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। हमारा जो ये समझ लो ये अमीनो एसिड है, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एन, ठीक है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। अब आप इसको देखो एक तरीके से और समझ सकते हो, अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहो तो ये कुछ इस तरह से होगा। एक बार हम खाली स्पेस देख लेते हैं, यस। तो देखो क्या होता है जनरली, समझो अगर आपने यहाँ पर अमोनिया लगा दिया और इसके साथ आपने लगाया हुआ है सी, ठीक है, उसके साथ आपने लगाया हुआ है सी डबल ओ एच, देन नीचे आपका लगा है हाइड्रोजन, ऊपर आपका लगा है आर, जो भी वेरिएबल लगेगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक और चीज़ के साथ रख देंगे, यानी कि एन एच टू के साथ कार्बन के साथ सी डबल ओ एच के साथ आर, ठीक है, ये हो गया एच। अब ये हो गए दो अलग तरीके के अमीनो एसिड, सॉरी दो अलग तरीके के प्रोटीन्स, ये स्ट्रक्चर आपके बन गए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पे वेरिएबल इनको दोनों अलग तरीके का बनाएगा। यहाँ पर आप कुछ लगाएंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगा, यहाँ पर अगर आप एच लगाते हैं और मिथेन वगैरह लगाते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला जब ये बन के हमारे सामने आता है तो हम ये देखते हैं, एक सेकेंड, ये देखते हैं कि हमारा NH2 में से H2O बाहर निकल जाएगा। जब पानी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, दिस वन कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे आ जाएगा N C C डबल ओ H, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका R, ओके। ये आपका N टर्मिनल, ये आपका C टर्मिनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल की कहानी बहुत सिंपल सी है, जो आपको मैंने अभी बहुत सीधे शब्दों में समझा दी है। द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड, एग्जैक्टली। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, पूरे टाइम एक प्रोटीन का जो रॉड होता है वो कभी भी सीधा बिल्कुल स्तर नहीं रहता है, उसके अंदर कुछ बेंड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, द थ्रेड फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स सिमिलर टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। आपने देखी होंगी आपकी स्टेयरकेस कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, स्टेयरकेस आपकी कुछ ऐसी होती हैं। तो इसी तरह से आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब वहाँ पर कुछ डिग्री का बेंड आ जाए, वो डिग्री कितनी होती है, 36 डिग्री, ठीक है। ऑफकोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, सिर्फ कुछ ही फॉर्म जो होता है जो आपका प्रोटीन का होता है वो अरेंज्ड होता है हेलिक्स के फॉर्म में। उसके आगे देखते हैं, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड, जो प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर आपको सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स जो होते हैं उसी को आप ऑब्जर्व करते हो, अदर रीजन को आप प्रोटीन का थ्रेड कर देते हो, जो कि कहलाते हैं फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डज दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर मीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे आपसे अगर कोई पूछेगा विच इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो हमारे जो अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जिसकी वजह से वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ना बन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो क्या है, आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगेन पूछा जाएगा, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लो, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। देन हम देखते हैं हमें कैसा देखने को मिलता है, ये एक बार हम यहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा, है ना।
देखो क्या होता है जनरली, जो हमारे इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स आ गया इसका मतलब हेलिक्स कुछ ऐसे होंगे। ये है आपका अल्फा हेलिक्स, जिसमें यहाँ पर कुछ बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि दूसरे बॉन्ड से ऐसे कनेक्टेड होंगी, यहाँ पर कुछ बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि दूसरे बॉन्ड से ऐसे कनेक्टेड होंगी, ठीक है, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। उसके साथ साथ अब आप क्या देखोगे कि जो हमारा ये हो गया आपका अल्फा, यानी कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक होगा आपके पास प्लेटेड, वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक बार ऐसे दिखा दूं आपको, ओके तो वो कुछ इस तरह के होता है। ये हो गया आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, कुछ प्लेट के समान, ठीक है, ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका अल्फा। तो जनरली क्या होता है, जो बीटा और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं और आपके अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं, बोथ जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जनरली किसका बना हुआ होता है, इंट्रैक्शन किसकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, बिकॉज वो अमीनो एसिड को ज्वाइन कर रहा है आपके, पेप्टाइड बॉन्ड जो एक दूसरे से अमीनो एसिड ज्वाइन है वो किसकी वजह से, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और एक पार्ट से दूसरे पार्ट से कैसे जॉइंटेड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो देखते हैं आगे हमारा ये पार्ट क्या कहता है। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल, गिविंग राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डज दिस टर्शरी स्ट्रक्चर मीन, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये हॉलो टाइप आपको जब दिखेगी, इसके अंदर क्या होगा, जगह जगह पे आपको जगह जगह पे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ ले लिया, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है हेलिक्स, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है हेलिक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है प्लेटेड, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्लेटेड। तो आप जब इसको देखोगे ना, ये देखो ये बॉन्ड कनेक्टेड है, आप इसको बॉन्ड कह सकते हो, ये बॉन्ड हो सकते हैं, ये बॉन्ड कनेक्टेड है, ठीक है, ये बॉन्ड कनेक्टेड है। तो आपको जनरली इसमें क्या दिख रहा है कि ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब 3D स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी देखने को मिले, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी देखने को मिले, ठीक है, विद कुछ अलग बॉन्ड्स के साथ देखने को मिले, 3D में स्ट्रक्चर में देखने को मिले, तो वो क्या आपका कहलाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर, ओके। देन दिस गिव अस अ 3D व्यू, आपको पता चल रहा है ये जो होलो स्पेस है ये आपको 3D व्यू दे रहा है, ठीक है, यानी कि तीनों डायरेक्शन से आपको ये एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। ऑफ अ प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेन मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। हमने देखा था कि फिजिसिस्ट जो हैं वो 3D व्यू को ही कंसिडर करते हैं, और ऐसी बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसको कंसिडर किया जाता है। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा के मतलब फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि पॉलीपेप्टाइड, यानी कि मोनोपेप्टाइड भी हो सकता था, बट पॉलीपेप्टाइड क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, या फिर सब यूनिट्स इसके साथ भी असेंबल होता है। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे से अरेंज रहते हैं और इनके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग वेरिएबल्स होते रहते हैं। एग्जाम्पल, आपने लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्पेयर्स देखी है, आप जब बनाओगे लीनियर स्ट्रक्चर बनाओगे प्रोटीन का, तब आपको समझ में आएगा। स्पेयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और प्लेट इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जनरली क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर आपको पॉलीपेप्टाइड जो है वो अरेंज्ड मिले किसी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वहाँ पे प्रेजेंट होगा अमीनो एसिड के अंदर, और वो कैसे होगा आप ये देखो, अगर आप देखो मेरे से पूछो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरली क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है आपका कि एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक पार्ट है आपका ये दो, तीसरा अमीनो एसिड चौथा, ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा, ये भी आपका हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा, और ये भी हो जाएगा आपका बीटा, बीटा प्लेटेड अल्फा हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स, ओके। तो इन चारों में जो है आपस में बॉन्डिंग है, जो उसी की वजह से इसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि 4 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देन फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है, एक सेकेंड यहाँ पर देखते हैं हम एक बार, आपको अगर पता होगा तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो क्या था, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से पहले मायोग्लोबिन ढूंढा गया था,
ठीक है, जिस किसके थ्रू ढूंढा गया था देख लेते हैं हम। हेमोग्लोबिन से पहले क्या ढूंढा गया था? मायोग्लोबिन। और किसके थ्रू ढूंढा गया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो मायोग्लोबिन जो होता है वो जनरली किसका बना हुआ होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड। मायो से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मसल से रिलेटेड है। ठीक है, तो सिर्फ एक पेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है ये मायोग्लोबिन। और ये जो होता है मसल के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है उसको मसल के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है उससे जब बनता है उसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन से पहले क्या कंसिडर किया गया था, क्या पहचाना गया था? मायोग्लोबिन। ठीक है, मायो मीन्स ही मसल होता है। देन हम आगे आते हैं, आगे हमारे चैप्टर हमसे क्या कह रहे हैं, एडल्ट ह्यूमन्स हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ फोर सब यूनिट्स। फोर सब यूनिट्स होती हैं एडल्ट की हेमोग्लोबिन में, जिसके अंदर दो जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, है ना, एक मतलब दो एक तरीके की होती है और दो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होती हैं। हैंस टू सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप, जो मैंने आपको बताया, टू जो होती हैं बीटा टाइप की होती हैं, और एक साथ ये मिलकर क्या बनाती हैं? हेमोग्लोबिन। ओके, तो आपको ये स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना होगा। देन हम आ जाते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। नेचर क्या होता है बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स का, यानी कि मोनोमर्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं उनका नेचर किस तरह का देखा गया है। इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये हम पहले देख चुके हैं कि चाहे वो पॉलीपेप्टाइड हो या फिर एक प्रोटीन हो, उसके अंदर अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से ही कनेक्टेड है, जो कि किससे बनता है? COOH से। ठीक है, कार्बोक्साइल से बनता है। ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद द अमीनो, यानी कि NH2 ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड। अब ये चीज़ जो है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, देखो आप कैसे समझोगे, समझ लो, आपका एक NH2 है वो कनेक्टेड है कार्बन से, इट इज कनेक्टेड टू कार्बोक्सिलिक COOH। एक सेकेंड, COOH। ठीक है, इस तरफ भी आपने, यहाँ तो आप लगा ही लो R। ठीक है, अब इस तरफ भी आपने लिया H2N। ठीक है, उसके साथ आपका हो गया कार्बन, उसके साथ आपका हो गया कार्बोक्साइल, इधर हो गया आपका R। आप क्या करोगे, इधर से ये ले लो, बन गया आपका पानी। ठीक है, जब आप इसमें से पानी निकालोगे ना, तब आपको क्या मिलता है, आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये हो गया आपका। ठीक है, इससे जो भी कनेक्टेड होगा इधर आपका ओ आ जाएगा डबल बॉन्ड में, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पर, जो कि आपका इस बॉन्ड को दिखाता है, इसके नेचर को दिखाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं जहाँ पर हम अभी थे। द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोइटली द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जो आपका नेचर होता है मोनोमर्स का पॉलीमर के अंदर बॉन्ड लिंक करने का, एक मोनोमर एक पॉलीमर से कैसे लिंक्ड होता है, तो वही जनरली किसके किस मेथड के थ्रू होता है? डिहाइड्रेशन। आप किसी मॉलिक्यूल में से पानी निकाल रहे हो, पानी की कमी कर रहे हो उसके अंदर, तो जनरली वो क्या हो गया, वो उसके अंदर डिहाइड्रेशन ही हो गया, जैसा कि अभी मुझे हो गया है, पानी पी लेते हैं। चलिए शुरू कर दे। इन अ पॉलीसेक्राइड द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड आर लिंक बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ आपके मन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आना चाहिए यहाँ पर, दैट व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो देखते हैं, यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना के देखो, ये है आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पर ओ ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके ये बेस प्रेजेंट्स हैं, आपके मोनोसेक्राइड जितने भी हैं आपके, ठीक है, ये आपके कहलाएंगे मोनोसेक्राइड। इसी तरह यहाँ पर समझ लो आपका OH प्रेजेंट है। इसी तरह सेम स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पर O प्रेजेंट है आपका, एक सेकेंड। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर आपने बना लिया। ठीक है, ये बनाने में नहीं आ रहा मेरे, अदरवाइज आपको समझ तो आएगा, आ ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक OH दे दो, क्या दे दो? OH। आपने क्या देखा,
ये जो दो चीजों का आप निकाल लोगे ना, ये क्या बन जाएंगे, H2O। डिहाइड्रेशन करा दिया आपने, ये क्या है आपके मोनोसेक्राइड है, आपने डिहाइड्रेशन करा दिया। अब जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, देखो बहुत सिंपल है, अब जो चीज़ बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या बना था, H2O तो आपने निकाल दिया, पानी तो निकाल दिया, अब क्या बनेगा यहाँ पे, सिर्फ O, ठीक है। ये ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके, सॉरी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में आपको यहाँ पता चल गया कि वो होता क्या है, जनरली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है। तो आगे देखते हैं, द बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन, आपने देखा कैसे बना H2O वहाँ से निकल के। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है, ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेक्राइड्स, दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, और दोनों मोनोसेक्राइड जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इट्स अ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मोइटी लिंक्स द कार्बन, यानी कि थ्री कार्बन, यानी कि थर्ड स्टेज वाला। थर्ड स्टेज मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसे आप अगर एक थ्रेड बना दो, ये हो गया थ्री और ये फाइव, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द फाइव कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर याद रखना कि दो तरीके के इसमें फॉस्फेट जो है प्रेजेंट होगा, दो तरह से, एक तो थर्ड कार्बन इसमें के ऊपर वन शुगर प्रेजेंट होगी न्यूक्लियोटाइड की, उसके बाद फिफ्थ कार्बन पर जिसपे कि शुगर जो होगी न्यूक्लियोटाइड की बढ़ती जाएगी, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड। नाउ यू विल आस्क मी कि व्हाट डज दिस एस्टर मीन, एस्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत प्लेजेंट सी इसकी स्मेल होती है। अब मैं दिखाती हूँ आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता क्या है। जनरली आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि यार फॉस्फो जो डाइस्टर बॉन्ड है वो जनरली कैसा बना हुआ होता है। तो आपको ये चीज़ समझने के लिए कि ये DNA का जो स्ट्रक्चर है, ये समझने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीके से पहले आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कहाँ बनाए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ बना लेते हैं। जनरली आपने क्या देखा होगा कि आपका जो शुगर होता है, समझ लो ये शुगर है, ठीक है, ये कनेक्टेड है फॉस्फेट से, ये शुगर है, ये कनेक्टेड है फॉस्फेट से, ओके। डायरेक्टली वहाँ पर भी आप यही बना दो, एकदम सेम, शुगर कनेक्टेड है फॉस्फेट से, शुगर कनेक्टेड है फॉस्फेट से, ओके। अब आपने ये देखा होगा कि देखो, देखा तो नहीं होगा, आपको समझना है यहाँ पर कि जो आपकी शुगर है ना, शुगर फॉस्फेट, ठीक है, ये बैकबोन होते हैं, शुगर जो है फॉस्फेट की बैकबोन है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये जो है ना पार्ट, ये पार्ट और शुगर का ये पार्ट, नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड होते हैं आपस में किसके थ्रू, एक बॉन्ड के थ्रू जो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड, देन सिर्फ शुगर, ओके, फॉस्फेट नहीं, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि दो नाइट्रोजनस बेस किससे कनेक्टेड हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऐसे ही आगे ये स्ट्रक्चर चलता जाता है। उसी तरह आप देख रहे होंगे फॉस्फेट जो है दोनों शुगर से कनेक्टेड है किसके थ्रू, एक बॉन्ड के थ्रू। ये बॉन्ड क्या है आपका, एग्जैक्टली यू गॉट इट राइट, एस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड क्या है, एस्टर बॉन्ड। अब आपको समझ में आया ये जो आपका बॉन्ड है यहाँ पर, ये क्यों यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जा रहा है, बिकॉज ये फॉस्फेट डाई यानी कि दो बॉन्ड्स और ये एस्टर, फॉस्फोडाई एस्टर, ठीक है। देखते हैं आगे क्या हमारा ये मॉडल कह रहा है, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज ऑफ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड, एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन आदर साइड, हर साइड पे ऐसे एस्टर बॉन्ड देखने को मिलते हैं फॉस्फेट के साथ, जिनको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं एग्जिबिट करते हैं वाइड वैरायटी में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिटेड बाई DNA इज द एग्जाम्पल फेमस वॉटसन क्रिक मॉडल। आपने देखा होगा बहुत फेमस मॉडल है वॉटसन क्रिक मॉडल, 1952 में जो बना था, जिसको हम कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल भी कहते हैं ना, जो सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, जिसका क्रेडिट उनके ऑनर को नहीं मिला था,
जिसको मिलना चाहिए था बट बहुत चोरी, मतलब बहुत फेमस है, चोरी से किया गया था ये सारा काम, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं एग्जिबिट करते हैं बहुत सारी वेराइटीज़ में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि हमने देखा एक एग्जाम्पल है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमें डीएनए को एग्जिबिट किया गया था, किसके अंदर, एक मॉडल था जिसका नाम है वॉटसन क्रिक मॉडल। ये मॉडल क्या कहता था, दिस मॉडल सेज डीएनए जो है एग्जिस्ट करता है डबल हेलिक्स में, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल। अब आपने ये देखा होगा आपकी जो आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर इस चीज़ को बहुत ही बेकार तरीके से लिया गया है, बट अब जो है इसको बहुत अच्छे से मूव करके आपको बता दिया गया। देखो आप क्या देखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड, सबसे पहली चीज़ हम समझ लेते हैं क्या। देखो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स जो हैं डिफरेंट तरीके से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक आपको सीधा मिलेगा, द अदर वन विल बी अपोजिट। तो यही होगा आपको, देखो जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल। व्हाट डज दिस मीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो आपके प्रेजेंट हैं, ये जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। अगर एक सीधा है तो उसी की सेम डायरेक्शन में दूसरे वाला उल्टा होगा, रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। बैकबोन जो होती है इनकी वो किससे बनती है, फॉस्फेट शुगर चेन से, ओके। आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो ये रही आपकी फॉस्फेट शुगर चेन वाली, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखो, ये सिंपल है, ये इसका अपोजिट वर्जन है, ओके। अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये फंक्शन करते हैं। आगे देखते हैं, नाइट्रोजनस बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड। नाइट्रोजनस बेस जो होता है आपकी, जो नाइट्रोजनस बेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जनरली जो प्रोजेक्टेड रहेंगे, ज़्यादा बेंड हुए रहेंगे या थोड़ा कम बेंड हुए रहेंगे, बट अंदर की तरफ ही इनका फेस होगा, यानी कि जैसे कि एडेनिन ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरली बेस पेयर्स विद टीएनसी। इसका मतलब क्या है, आपका एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है और आपका जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ करता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन द अदर स्ट्रैंड। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया और यहाँ पर बेसिकली लिखा भी हुआ है कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड करते हैं। आगे देखते हैं, देर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड टी एंड थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी एंड सी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए, नीट में आ सकती है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एडेनिन और थाइमिन के बॉन्ड में, जो कि होते हैं टू, और कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के किस बॉन्ड में, वो होते हैं थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। ईच स्ट्रैंड जो होता है अपीयर करता है एज अ हेलिकल स्टेयरकेस। हर कोई जो हर स्ट्रैंड होता है वो जनरली कैसा हमें देखने को मिलता है, ऐसे सीढ़ियों की तरह। आपने ये देखा होगा कि जनरली इसको हम रब कर दें तो जनरली क्या होता है कि आपका जो जो आपका स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है, वो जनरली प्रोटीन का सीधा क्यों नहीं होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो बिल्कुल सीधा नहीं रह पाता है, जब भी जहाँ जहाँ पर आपका जो ये फॉस्फेट जो नाइट्रोजन बेस लगता है, जो फॉस्फेट लगता है जगह जगह पर, वहाँ पर ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, ठीक है। कैसे बेंड होगा देखते हैं, देखो ये सिंगल स्ट्रक्चर है, अगर ये यहाँ पर ये बेंड हुआ तो ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये बेंड हुआ यहाँ पर तो ये भी अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से ये पूरी हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्टेयर केस की तरह बना लेते हैं, राउंड स्टेयर केस। तो कितना डिग्री का बेंड आता है यहाँ पर, यहाँ पर बेंड आता है 36 डिग्री का, कितना डिग्री का, 36 डिग्री का। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर। एक फुल जो टर्न होता है ना आपका हेलिकल स्ट्रैंड का, दो हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं, एक वन एक टू, इनका फुल जो टर्न होता है वो जनरली उसके अंदर कितने इन्वॉल्व होते हैं आपके बेस पेयर, 10 बेस पेयर्स, ओके। तो ये आपको ये याद रखना है, डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट, 10 बेस पेयर्स। आप अटेम्प्ट करो एक लाइन को ड्रॉ करने का, उसकी पिच क्या होगी, यानी कि इसमें जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर पिच क्या होगी, पिच आपको देखने को मिलेगी कितने की, 34 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम की। द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम।
पर बेस पेयर कितना ऊपर उठेगा, 3.4 एम्स्ट्रॉम, ठीक है। और पिच कितनी होगी, 34 एम्स्ट्रॉम, और जो टर्न होगा वो कितना होगा, 36 डिग्री, ठीक है। हर बेस पेयर पर टर्न कितना होगा, 36 डिग्री। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन्ड साइलेंट फीचर इज कॉल्ड बीडीएनए, जिसके ये सारे जो आपको मिल गए ना अभी ऊपर, कि 36 डिग्री में होता है टर्न जो होता है स्ट्रैंड का, ठीक है, 34 एम्स्ट्रॉम में पिच होती है, बेस पेयर जो होता है 3.4 एम्स्ट्रॉम का होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सारे क्या हैं, इसके साइलेंट फीचर्स हैं, ये आपको, अब आप पूछोगे आपके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो बायो मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन ये भी बनता है, साइलेंट फीचर्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। ये जो साइलेंट फीचर्स आपने ऊपर देखे हैं डीएनए के, साइलेंट फीचर्स डीएनए के पूछे भी जाते हैं, स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो साइलेंट फीचर्स यहाँ पे आपने देख लिए डीएनए के, तो ये कौन सा डीएनए, बीडीएनए, ठीक है। व्हाट इज, अब हमने देखा बीडीएनए किस तरह के, तो एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, तो इस तरह के डीएनए होते हैं, ठीक है। ये डीएनए किस तरह से होते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट मिलेंगे। हमारी बॉडी में जो कॉमन डीएनए है वो है बीडीएनए। इन हायर क्लासेस यू विल बी टोल्ड दैट देयर आर मोर देन अ डजन फॉर्म्स ऑफ डीएनए नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट जैसे हमने बात की ए बी डी है ना, जी डीएनए विद यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स, सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, फीचर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस पार्ट को एंड करते हैं, अगले पार्ट में हम थोड़ा और आगे का पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड, ठीक है। तो इसके साथ हम मॉर्फोलॉजी भी साथ साथ चलाने वाले हैं, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि आप पीछे छूट रहे हैं। और जहां तक बात रही ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ का सेकेंड चैप्टर आई एम ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, आई स्वेयर बहुत सारा मतलब मेरे ऊपर, मेरे को भी अपनी स्टडीज़ करनी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हायर स्टडीज़ के लिए उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से इतना टाइम मैं चैनल को नहीं दे पा रही हूँ। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको एक वीडियो पर डे मिल जाए, या फिर ऑल्टरनेटिव डेज में मिल जाए, बट वीडियो आपको ज़रूर मिल जाए, ताकि आपका सिलेबस पीछे ना रहे और आप एक वॉरियर की तरह अपने नीट में एग्जाम देकर आएँ। सो विद दैट सेट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई हो, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर बजा लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।